क्वेश्चन है, फीमेल नार्सिसिस्ट को हैंडल करने का क्या तरीका है? देखिए, फीमेल नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट क्यों बनती है? उसने बचपन में जो इनसिक्योरिटी को फेस किया, जो ट्रॉमा को फेस किया, उस रियलिटी का जो वर्जन था वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो वो क्या काम करती है, रियलिटी के एक दूसरे वर्जन को ही इमेजिन कर लेती है और उस वर्जन को आत्मसात कर लेती है। वो वर्जन जो उसको पसंद है, वो वर्जन जिसमें वही सब कुछ है, वो वर्जन जिसमें कि उसकी डिज़ायर्स को कोई थ्रेट नहीं है, वो वर्जन जिसमें उसकी आइडेंटिटी को कोई परेशानी नहीं है। तो रियलिटी के एक ऐसे वर्जन को वो इमेजिन करके उसको आत्मसात कर लेती है और वही रियलिटी का जो दूसरा मैप है, जिसको कि उसने अपने दिमाग में बैठा लिया है, वही उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है। तो फीमेल नार्सिसिस्ट की जिंदगी में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आएगा जो कि उसके रियलिटी के उस वर्जन को जो उसने इमेजिन किया हुआ है, जो उसका इंटीरियराइज किया हुआ है, जिस वर्जन के हिसाब से वो जीती है, जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उस वर्जन को के साथ अगर वो एग्री नहीं होगा, उस वर्जन को अगर चैलेंज करेगा, तो फीमेल नार्सिसिस्ट को पनिश करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको पनिश पनिश क्यों कर रही है, पनिश करेगी ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, ताकि अपने रियलिटी के वर्जन के हिसाब से उसको चला सके, वरना वो व्यक्ति उसके रियलिटी के वर्जन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और तब उसका सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है वही खत्म हो जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। उस सिचुएशन में कैसे जीना है ये उसको आता नहीं है। तो इसलिए फीमेल नार्सिसिस्ट उसको पनिश करती है। पनिश करने का क्या तरीका है, गिल्ट ट्रिप करना, हर बात में उसकी कमी निकालना, पार्टनर की गली को हर बात में जलील करना, उसकी हर वक्त कमी नहीं बताना, उसको उसको बॉडी शेमिंग करना कि तुम्हारे अंदर इंटीमेसी के लिए जब वो आए तो उसे ह्यूमिलिएट करना, और उसका जो फ्रेंड सर्किल है पार्टनर का, उस फ्रेंड सर्किल के ऊपर अटैक करना, उसमें जो फ्रेंड्स हैं उसको उनकी कमी निकालना, बताना कि ये फेलियर हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इनके अंदर ये कमी है वो कमी है, ताकि पार्टनर का फ्रेंड सर्कल छूट जाए। क्यों छूट जाए, जाना जरूरी है। अगर फ्रेंड सर्कल नहीं छूटेगा तो वो एक सपोर्ट सिस्टम के तरीके से काम कर सकता है। तो पार्टनर के फ्रेंड सर्कल के ऊपर अटैक करेगी, साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को पार्टनर पसंद नहीं करता उनके साथ कहेगी बार बार कि उनके साथ घूमो। तो इस तरीके से वो बड़ी चालाकी से अपने आप को ये भी दिखा देगी कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे फ्रेंड सर्कल का विरोध करती है, वो तो कुछ लोगों का ही विरोध करती है। तो वो अपने आप को क्लेवरली बचाती भी रहती है और साथ ही साथ जीवन भी मुश्किल करती जाती है। साथ ही साथ फैमिली के जो एनिमीज हैं, उन फैमिली के एनिमीज के साथ उठना बैठना, उनको सपोर्ट करना, ये सब फीमेल नार्सिसिस्ट की आदत है। फीमेल नार्सिसिस्ट घर के वैल्यू सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, वैल्यू सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। फीमेल नार्सिसिस्ट अपने वूमन होने के का जो सोसाइटी ने उसको प्रिविलेज दिया है, उसका एडवांटेज लेती है, अनड्यू एडवांटेज लेती है, उसका गलत इस्तेमाल करती है और उस फैमिली को सेबोटाज करने में अपने फीमेल होने को के प्रिविलेजेस को यूज़ करती है। और अगर उसका हस्बैंड या पार्टनर ये कहता है कि तुम ये काम मत करो, वो काम ना करो, तो वो एकदम से चीखने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो कंट्रोल कर रही है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर इस घर में से कोई कुछ कह दे कि तुम ये काम मत करो, तो उसे कहती है कि तुम मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीती है, और जब वो कोई डबल स्टैंडर्ड के हिसाब से जीता है तो पूरी फैमिली की जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी फैब्रिक को ही वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फीमेल नार्सिसिस्ट इस तरीके से पनिश करता है। इसमें जो है पार्टनर की कोई गलती नहीं है, पार्टनर के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग करती है, अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है सबके लिए पार्टनर को जिम्मेदार ठहराती है। बार बार ये बताती है कि गलत हो गई मेरी शादी यहाँ हो रही थी, इनसे हो जाती तो अच्छा था, उनसे हो जाती तो अच्छा था। उसकी अर्निंग के ऊपर क्वेश्चन उठाती है, और अगर अर्निंग पार्टनर की अच्छी है तो अर्निंग मेरे ऊपर क्यों नहीं खर्च कर रहे हो, उसमें कमी क्यों है, इसको लेकर के क्वेश्चन उठाती है। तो कुल मिलाकर के उसको ऑन पर्पज ये सब करती है। उसके इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर के अंदर कोई कमी है, पार्टनर जबकि ये समझने लगता है कि मेरे अंदर ये इसका कमी है। कारण ये है क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक रियलिटी का वर्जन, जैसे मैंने बताया कि बनाया हुआ है, वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, एक फिल्म बनाई हुई है अपने दिमाग, उस फिल्म के हिसाब से जीती है। उस फिल्म की स्टार भी वही है, उस फिल्म की विक्टिम भी वही है, उस फिल्म में का प्रोड्यूसर भी वही है, स्क्रिप्ट राइटर भी, सब कुछ उस फिल्म का वही है, और उस फिल्म के अनुसार वो जीने की कोशिश करती है। जो भी उस फिल्म के साथ आ नहीं पाता है उसको वो हमेशा पनिश करती है। उस फिल्म में के स्टार भी हीरो भी वही है, उस फिल्म का विक्टिम भी वही है। सबसे बड़ी बात ये है,
विक्टिम होना फीमेल नार्सिसिस्ट की, क्योंकि विक्टिम होना फीमेल साइकी के हिसाब से भी सूट बैठता है, और इसलिए अपने अपने आप को हमेशा एक विक्टिम की तरीके से फीमेल नार्सिसिस्ट जो है वो प्रोजेक्ट करती है। तो इसीलिए आप कभी देखिए कि अगर फीमेल नार्सिसिस्ट से कोई अपने पेन के बारे में बात करेगा तो वो तुरंत ये जवाब देगी कि मेरा पेन तो तुमसे 100 गुना ज़्यादा है, तो कभी भी दूसरे के पेन को एडमिट नहीं करती, और दूसरा कभी भी अपनी बात को उसके सामने कभी पहुंचा नहीं सकता। वो कभी भी एक ब्लैक मिरर की तरीके से है वो फीमेल नार्सिसिस्ट, जिसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। आप कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कभी कम्युनिकेशन का साइकिल पूरा नहीं होगा, कभी कोई बात पहुंच नहीं पाती, और आप अनहर्ड हैं, आपकी बात, आप जो भी अपनी बात कहते हैं वो कभी भी उसके पास तक पहुँच नहीं पाती है। इसका कारण ये है क्योंकि उसने कुछ नार्सिसिस्टिक फिल्टर्स लगाए हुए हैं। आपकी हर बात, आपकी हर एक्शन, आपकी पूरी लाइफ उन नार्सिसिस्टिक फिल्टर से होकर के गुजरती है, और वो नार्सिसिस्टिक फिल्टर उन सब चीज़ों को हटा देते हैं जो फीमेल नार्सिसिस्ट के वर्जन ऑफ रियलिटी के हिसाब से नहीं है। तो जब सब हटा देंगे, यानी आपकी विल अगर ऐसी नहीं है कि वो फीमेल नार्सिसिस्ट उसको के हिसाब से हो, तो आप हट जाओ, आप हटिए, आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आप फीमेल के नार्सिसिस्ट के वर्जन ऑफ रियलिटी के हिसाब से आपके एक्शंस नहीं है तो आप हट जाओ, आप उसके ऐसे प्रॉमिसिंग नहीं है कि उसके हिसाब से हो तो आप हट जाओ। तो फिर इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो नार्सिसिस्टिक फिल्टर है जो उसने लगाया हुआ है आपकी रियलिटी के अगेंस्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप उस फिल्टर के हिसाब के अंदर से गुजर करके अपनी रियलिटी को टेलर मेड करके उसके हिसाब से बना लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं बना पाते हैं तो फिर आपको पनिश करेगी वो। तो कोडिपेंडेंट्स जो हैं वो उस तरीके के लोग होते हैं जो बेचारे उस नार्सिसिस्टिक फिल्टर से गुजर करके नार्सिसिस्ट फीमेल नार्सिसिस्ट के हिसाब से बनने की कोशिश करते हैं। तो जब फीमेल नार्सिसिस्ट के हिसाब से बनने की कोशिश करते हैं तो क्या हो, उन्हें अपने आप को पूरी तरीके से मिटा देना पड़ता है, अपने आप को ह्यूमिलिएट करना पड़ता है, अपनी वो विल पावर को दबा देना पड़ता है, अपनी वॉइस को दबा देना पड़ता है, अपने उनके साथ हमेशा हाइपर एग्रीएबल होना पड़ता है, हर चीज़ में उनके साथ एग्रीएबल होना पड़ेगा, हर बात को उनकी मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने आप को जब पूरी तरीके से कोई मिटा देगा तो वो क्या कभी अपना नेचुरल सेल्फ रह पाएगा, वो अपना नेचुरल सेल्फ नहीं रह पाएगा। तो फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ उसके नार्सिसिस्टिक फिल्टर से गुजरने के बाद कोई भी अपना नेचुरल सेल्फ नहीं रह सकता, और जब हम अपना नेचुरल सेल्फ नहीं रह पाते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी नार्सिसिस्टिक फिल्टर से ना गुजर पाने के कारण, इसी नार्सिसिस्टिक फिल्टर से गुजरने के कारण ऐसा होता है कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, ये कभी भी नार्सिसिस्ट तक नहीं पहुँच पाता, मतलब नार्सिसिस्ट उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता। तो नार्सिसिस्ट के अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, वो इसी नार्सिसिस्टिक फिल्टर की वजह से ही उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती। हमारी क्या फीलिंग है, हमारे क्या थॉट्स हैं, कभी उस तक नहीं पहुंचते हैं, तो हम कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हालांकि फीमेल नार्सिसिस्ट हमें हमेशा ये बताती है कि उसे कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, वो बताती जरूर है, लेकिन हमारे थॉट्स फीलिंग्स को कभी वो एडमिट नहीं करती इसी नार्सिसिस्टिक फिल्टर की वजह से। तो जब हम अपने आप को मिटा देते हैं नार्सिसिस्ट फीमेल नार्सिसिस्ट के हिसाब से बनने के लिए, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से हर चीज़ में उससे एग्री होने की कोशिश करते हैं, अपना नेचुरल सेल्फ खो देते हैं, तो क्या होता है, तो फिर इसका मतलब फीमेल नार्सिसिस्ट ने हमारी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब धीरे धीरे सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर हमारे अटैक करते करते हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया अपने वर्जन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी से, मतलब उसके उसकी रियलिटी में जो उसकी वर्जन ऑफ रियलिटी है उसके हिसाब से हमारी सेल्फ आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, उस सेल्फ आइडेंटिटी से हमारी एक्चुअल सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया। और जब हमें रिप्लेस कर दिया तो इसको एक्चुअल तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, इसे हम ये इस तरह कह सकते हैं कि हमें पोजेस कर लिया। तभी आप देखते हैं कि कैसे फीमेल नार्सिसिस्ट पोजेस कर लेती है लोगों को, जैसे कि प्रेत ने पोजेस कर लिया हो, बिल्कुल, फिर वो उसके हिसाब से ही चलते हैं, बिना
उसकी इजाज़त के कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी औरतें हैं जिन्होंने एकदम इस तरीके से कब्जा कर लेती हैं, पोजेस कर लेती हैं, क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो उनकी रियलिटी के अंदर का एक पपेट बन चुका है, उनके फिल्टर से गुजर के वैसा ही हो गया, उसने अपने आप को मिटा दिया, अपनी आइडेंटिटी को मिटा दिया। और जब हम अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं रहते हैं तो इससे हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, वहीं से कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की भी शुरुआत होती है, क्योंकि हम अपने नेचुरल सेल्फ में ही नहीं है। ये आपको मैं बताऊं कि नेचुरल सेल्फ में रहना खुद एक अपने आप में एक हीलिंग, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि हम अपने नेचुरल सेल्फ में रहें। तो करें क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि नार्सिसिस्ट के वर्जन ऑफ रियलिटी, फीमेल नार्सिसिस्ट का जो वर्जन ऑफ रियलिटी है, उसके अंदर आपको प्रवेश नहीं करना है, उसके आपको नहीं, आपको उसके हिसाब से बनना है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको अपने नेचुरल सेल्फ के हिसाब से जीना है। लेकिन आप अपने नेचुरल सेल्फ के हिसाब से क्यों नहीं जी पाते, इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि आपके अंदर मानसिक शक्ति नहीं। तो मानसिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मानसिक शक्ति के लिए क्या करें, मानसिक शक्ति के लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात की है, जिसमें से एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं जाप करना। उसकी टेक्निक मैंने बताई है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है। बेली ब्रीदिंग करना, उसकी टेक्निक मैंने बताई है कैसे करना। तो ये सब जो टेक्निक आप फॉलो करेंगे तो इससे मानसिक शक्ति आपके अंदर आती है। जब मानसिक शक्ति आती है तब फिर कुछ किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं जब मानसिक शक्ति आ सकती है, तब हम क्या कर सकते हैं कि उसके वर्जन ऑफ रियलिटी को हम चैलेंज कर सकते हैं। वर्जन ऑफ रियलिटी को चैलेंज करने का कई तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि हम उसके वर्जन ऑफ रियलिटी को एडमिट ही ना करें और वो जो भी बवाल करे उस बवाल को हम बिफिटिंग रिप्लाई दें, क्योंकि हमारे पास मानसिक शक्ति है, या हम इग्नोर कर दें। जब हम इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, जैसे नरेंद्र मोदी की टेक्निक है इग्नोर कर देना, तो इसको ये भी एक टेक्निक है कि कोई जवाब ही ना देना इस तरीके के अटैक्स का। तो जब नार्सिसिस्टिक अटैक का हम कोई जवाब नहीं देते हैं तो फिर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं हो पाता। जब कोई ड्रामा क्रिएट नहीं हो पाता तो फिर हम उससे, ये भी एक प्रोटेक्शन का तरीका है, तो हम या तो कुछ उसको कुछ उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। तो जब हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही वो नार्सिसिज्म पैसिव हो जाएगा और वो अपनी दुकान किसी और आदमी को या किसी और चीज़ से अपनी नार्सिसिज्म की उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमने उसको एडमिट नहीं किया। दूसरा तरीका ये है, जिसमें शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई दें, उसके वर्ल्ड में अपीयर हों, उसके वर्ल्ड के अंदर प्रवेश करें, और शक्ति है हमारे अंदर, और उसको हम आइडियलाइज करें, हाँ उसकी तारीफ करें, ग्रैंडियोसिटी की तारीफ करें, और उसके बाद हम फिर उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई देना बंद कर दें, और देना बंद करके उससे वो करवाएं जो जरूरी है। तो जब हम वो करवाएंगे, क्योंकि एक बार जब हमें नार्सिसिस्टिक सप्लाई कोई देने लगता है और फिर नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद कर देता है, तो नार्सिसिस्ट की भी मजबूरी हो जाती है कि वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई देता रहे। इसके लिए नार्सिसिस्ट भी मजबूर हो जाता है उसकी बात मानने के लिए। तो दूसरा तरीका, नार्सिसिस्ट के का जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, उसके इमेजिनरी वर्ल्ड में शक्ति के साथ प्रवेश करना, शक्ति को छुपाते हुए प्रवेश करना है, तो अंदर से शक्तिशाली है लेकिन प्रवेश करना, और प्रवेश करने के बाद उसको सप्लाई देना जो सप्लाई चाहता है झूठी, और सप्लाई देने के बाद उसको बीच में सप्लाई रोक करके मजबूर करना कि ये काम जरूरी है, अगर ये काम नहीं करोगे तो तुमको हम सप्लाई नहीं देंगे। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट को काबू किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है ये दूसरे वाले रास्ते में, अगर मानसिक शक्ति नहीं है। और अगर मानसिक शक्ति ये है तो नार्सिसिस्ट की इमेजिनरी, फीमेल नार्सिसिस्ट की इमेजिनरी दुनिया में अगर शक्ति के साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो ये तो कुछ इस तरीके से हो गया ना कि दूसरे की इमेजिनरी वर्ल्ड में मगरमच्छ के तरीके से प्रवेश कर गए। अब उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड में तोड़ फाड़ मचा देंगे अगर, तो फिर वो तो समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसी समझौते से उससे वो सब करवाएं जो जरूरी है, क्योंकि वरना नार्सिसिस्ट राजी नहीं होता वो सब करने के लिए जो घर के लिए जरूरी है, काम करने के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है। तो अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि वो हमारा जो भी वो अटेम्प्ट फीमेल नार्सिसिस्ट करती है हमको पोजेस करने के लिए, उसको जब हम रेजिस्ट करेंगे और वो हार मान लेगी या उसको समझ में आ जाएगा कि हम इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे ये उसका नार्सिसिज्म हमारे प्रति एटलीस्ट पैसिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम इसको डील कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे अपने एक्सपीरियंसेस का सवाल है, बहुत
मैंने ऐसे फीमेल नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा देखा है, तो मैंने ये टेक्निक देखी है कि फीमेल नार्सिसिस्ट को जैसा फीमेल नार्सिसिस्ट टेक्निक लगाती है दूसरे लोगों को काबू करने के लिए, वही टेक्निक ही फीमेल नार्सिसिस्ट के ऊपर लगाने से ही फीमेल नार्सिसिस्ट के ऊपर काबू कर सकती है। जैसे फीमेल नार्सिसिस्ट की अगर ये आदत है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो फीमेल नार्सिसिस्ट से ये शिकायत करना बेकार है कि तुम कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही हो। फीमेल नार्सिसिस्ट का इलाज ये है कि फीमेल नार्सिसिस्ट को भी कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फीमेल नार्सिसिस्ट को इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो फीमेल नार्सिसिस्ट की भी इंफॉर्मेशन कंसील कर ली जाए, क्योंकि हम जिस तरीके से दूसरे का टॉर्चर करते हैं उस तरीके में ही हमारा टॉर्चर भी छुपा होता है, क्योंकि हम जानते हैं जिस चीज से दूसरे का टॉर्चर हो सकता है, हम जानते हैं जिस चीज से हमारा टॉर्चर हो सकता है उसी से हम दूसरे का हमेशा टॉर्चर करते हैं। तो अगर हम फीमेल नार्सिसिस्ट अगर हमारे अंदर शक्ति है, तो फीमेल नार्सिसिस्ट की टेक्निक्स को सीख कर समझ करके उन्हीं टेक्निक को फीमेल नार्सिसिस्ट के ऊपर अप्लाई करके भी फीमेल नार्सिसिस्ट को काबू किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति अगर हमेशा जाप से और इस तरीके की टेक्निक से जो मैंने बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है, उससे आती है। एक बार शक्ति आएगी तो आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपकी स्थिति मजबूत होगी तो ये जो इमेजिनरी टेंट्रम्स आपके आसपास फैलाने वाले लोग हैं इनके ऊपर काबू करना आसान होगा।